पहचान है गर याद है नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद है पहचान है गर याद है। क्या बात है सुखी जी। एक क्वालिटी जो इनमें है वो है कि वॉइस बहुत स्ट्रांग है, दहाड़ती है जो आवाज है। अगर इनको कोई तबाही मचाने वाला गाना फ्यूचर में मिलेगा तो she will justify. Thank you, sir. एक चीज मैंने always नोटिस की है आप में कि आप कभी ओरिजिनल सिंगर को आप कॉपी नहीं करते। आप ये बहुत बड़ी बात है अंजना, इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। और ये एक कॉमन क्वालिटी है जो सुखिंदर सिंह जी में है और आप में है। वो कॉमन क्वालिटी ये है कि आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लोग आपको फॉलो करेंगे। थैंक यू सर। आपकी गायकी बहुत अच्छी है, बहुत मतलब ऐसी जगह ले रही हो जो बहुत ही समझदारी वाली जगह है। मुझे लगता है आप थोड़ा अपनी आवाज़ को स्ट्रेन कर रहे हो। इट्स टाइम यू टेक अ लिटिल प्रिकॉशन बिकॉज आप बिल्कुल उस घड़ी तक पहुंचने वाली हो जहां पर बिल्कुल नेक टू नेक बात चलेगी। बहुत एक्सपेक्टेशन है सबकी आपसे, बहुत दुआएँ हैं आप पे। नाउ यू गॉट टू प्रिजर्व दिस वॉइस। ओके ओके
जोरदार तालियां हो जाए देवांजना के लिए. आपने जो परफॉर्मेंस किया है और एंड इवन योर मदर एंड एवरीवन, या मम्मी, इट वाज वेरी नाइस, फैंटास्टिक. जो दरवाज़ा वगैरह बन के आप लोगों ने तो बहुत ही खूबसूरत था. और जैसे आप भाग के गई हैं, ऐसा चुन्नी उन्नी उड़ रहा है, तो बहुत अच्छा. और मतलब इतना अच्छा गाती हैं आप कि मेरी हैसियत नहीं कि मैं इसकी तारीफ या इसके बारे में कुछ भी कहूँ. आई जस्ट टेल यू, यू इंस्पायर्ड मी टू बी देवदास ऑल ओवर अगेन. एंड दिस वन आई जस्ट डू इट फॉर यू फ्रॉम माई हार्ट. कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें. लेकिन चंद्रमुखी एक पारों की याद है जो भुलाए भूली नहीं जाती. एंड पारों की बजाय मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, एक दिव्यांजना की याद है जो भुलाए अब कभी भूली नहीं जाएगी. ये मेरा मेरी पहली फिल्म का पहला गाना. आई ट्रूली हैव ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ दैट फिल्म. मैं 16 साल की थी जब मैंने इसकी मतलब इनके गाने गाए थे इस फिल्म के. मेरी जो मेमोरीज है वो आज भी बहुत ताज़ा है और आपने आज उसको वापस रिफ्रेश कर दिया. थैंक यू देवांजना. किसी से प्यार किया? किया. कभी किसी को दिल दिया? दिया. मैंने भी दिया. निर्वेश, मजा आ गई. जलसो थी गयो, जलसो दिवसे जलसो थी. जब जब ऑडियंस कहे ना आपसे वंस मोर, उसका मतलब आप समझ जाइए कि आपने हिला के रख दिया सबको यहाँ. निर्वेश, इस गाने की एनर्जी ऐसी है कि किसी भी क्राउड को कहीं पे भी, दुनिया में कहीं पे भी कोई भी परफॉर्म कर ले तो ये गाना मतलब धमाल मचा ही लेता है. लेकिन उसके साथ अगर एक परफॉर्मेंस ऐसी हो ना जो इस गाने को जस्टिफाई करे, तो सोने पे सुहागा.
और आज मेरे हिसाब से, अरे भाई लोग एक सेकंड ना, हूँ बोलू छू आप लोग निर्वेश छे ने, बो रॉक स्टार छे, मारी गुजराती समाप्त थई गई। इस गाने को आपने जस्टिफाई किया 100% किया एंड आई एम फुल्ली विथ यू, ऑसम। थैंक यू सर। गोविंदा जी, गीत तो बहुत अच्छे से गाया आपने, सुर भी इधर उधर नहीं किए। लव यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू गोविंदा जी। जजेस, निर्वेश को आप क्या स्कोर्स देंगे? और जनता, निर्वेश को वोट करने के लिए टाइप कीजिए आइडल स्पेस NIR और भेज दीजिए 525-2525 पर। अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है? अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है। लगने लगी अब जिंदगी अनमोल यार, पहले मिले होते यार, इतनी अच्छी अच्छी जगह आपने ली, हमको भी आइडियाज मिल जाते तभी। बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, लव्ड इट, थैंक यू सो मच। अनमोल, आई थॉट यू डिड स्पेक्टैक्युलरली, जो आपने लास्ट लाइन उसमें जो वेरिएशन आपने की उसी के मतलब उसी पे कुर्बान है, क्या बात है, सुपर्ब, वेल डन। आपकी आवाज में इन दिस होल प्रोसेस, इन दिस सीजन, आपकी आवाज में वार्मथ और आ रही है, वो अच्छा है। और एकाद जगह तो एकदम मतलब माशाल्लाह सुपर्ब। अनमोल, बिलीव मी, यहाँ पे देर आर मिलियंस ऑफ सिंगर्स, उसमें से आप टॉप फोर में है इंडियन आइडल के, जो सबसे बड़ा शो है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सुपर सुपर। थैंक यू परिणीति। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शो की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा गया आपने। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.